मेकअप किसे नहीं पसंद? मुझे बहुत पसंद है। कंटूरिंग हो या बोल्ड आई मेकअप, सोशल मीडिया पे सब लोग इसको फॉलो करते हैं और इसे ट्राई भी करना चाहते हैं। जब फंक्शंस में लड़कियां तैयार होने के लिए अपने आर्टिस्ट के पास जाती हैं, तो अपने मेकअप आर्टिस्ट से ये भी पूछती हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और उन पे क्या प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। लेकिन जब यही लड़कियां ये मेकअप खरीदने जाती हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि ये मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स का होता है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया ब्रांड रिकोड। रिकोड एक मेकअप ब्रांड है जिसमें हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। रिकोड ब्रांड की अवेलेबिलिटी है पैन इंडिया में 250 शॉप्स पे, अपनी वेबसाइट और ऐप पे, और रिसेंटली हमने अपनी 3 फ्रेंचाइजी खोली है, फरीदाबाद, दिल्ली एंड रायपुर में। वाओ शख्स, हम यही नहीं रुके, 2021 में हमने शुरू किया अपना मार्केट प्लेस, जिसमें रिकोड के अलावा अभी हमारे पास 60+ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। यही इक्विटी हमने अपने दोस्त की कंपनी में मांगी थी, उसने मना कर दिया। आज हम पूछना चाहते हैं आपके थ्रू कि हमें वो इक्विटी मिलेगी या नहीं। आप नर्वस तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि डोंट वरी, ये इंडस्ट्री की गुंडा मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल नर्वस नहीं है, नर्वस नहीं है। अभी मेरे से डायलॉग सीख और अभी ये बोल। चलिए गाइस, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। तो ये कैसे जहन में आया आपके कि ये काम करना है और क्यों आया? मैं इस इंडस्ट्री में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक ब्रांड के साथ काम करता था। कौन सी ब्रांड? मेकओवर, जहाँ से अपनी स्टडी की कहाँ कहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन था सर अबाउट 5 स्टेट्स का। अच्छा, और आप? पहले बाइसाइकिल पार्ट्स के बिजनेस में हैं, इनके ब्रदर इन लॉ के साथ हमारा काम है सिंस 1998। तो ये 2018 में जब हमारे पास आए, तो स्पॉन्टेनियस हमने पूछा क्यों ना हम ये काम करें, तो उन्होंने कहा कर लो, तो हमने 2 घंटे में अपनी कंपनी बना ली। दो घंटे क्या यार, कमाल हो आप। नहीं नहीं, आपके पास आए का क्या मतलब? आप इनके जीजा जी को जानते थे? हाँ जी, वो वैसे ही आए थे अपने ब्रदर इन लॉ को मिलने। तो आप वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। सर इन्होंने कहा कि भाई मैं मेकअप में इसमें करता हूँ, आपने कहा चलो कंपनी बनाते, ऐसा कुछ हुआ? यस। आप हमेशा ऐसे ही डिसीजन लेते हो लाइफ में? हाँ जी। अरे वाह, पर आपको नहीं लग रहा कि जैसे ये बिजनेस है अभी तो बहुत क्राउडेड हो गया है, ऑलरेडी इतने सारे लोग इस मार्केट में हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6-7-8 नाम है, कलर बार, मेबलिन, लॉरियल, लेकमे, फेसिस कैनेडा, शुगर। सर ये 6 ब्रांड्स एक सर्टन सेक्टर में काम करते हैं, जो कि कंज्यूमर मार्केट से एक फोकस रहता है। हम लोग ये कहते हैं कि हमारा ये 6 ब्रांड्स के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। जिस तरह से हम सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं ऑफलाइन मोड में, और इसको वहाँ से टीचिंग्स देके अपने कस्टमर एक्विजिशन करते हैं। एग्जांपल दीजिए, जैसे आपके कौन कस्टमर है और वो अभी क्या खरीदते थे जिनको आप अब वो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं? जो आर्टिस्ट लोग एक महंगा प्रोडक्ट सामने वाली लड़कियों को गाइड करते हैं, जैसे आपको मैंने अपने पिच में बताया कि एक इंटरनेशनल ब्रांड्स की रिप्लेसमेंट में हम रिकोड ब्रांड को लेके आए हैं। तो आप ज्यादा प्रीमियम है या सर इकोनॉमिकल? सर क्या मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते। बिल्कुल, जो शुगर से बेहतर है वो वाले खास कर। आप वाटर क्रीम ट्राई कीजिए सर। ये जी, ये प्राइमर जी, ये ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। और मेकअप मिक्सर, यस, इनोवेटिव प्रोडक्ट है मैम। चलो थैंक यू भाई। ये मैंने प्रोडक्ट देखा है, मैंने इससे गंदी पैकेजिंग नहीं देखी, सब टूटा हुआ है यहाँ से, और यहाँ एक क्रीम, एक आपने स्टिकर चिपकाया हुआ है, तो बहुत ही लो एंड में बेचते हो क्या? मतलब क्यों ऐसे? नहीं, लो एंड पे तो नहीं है, इसकी पैकेजिंग हम प्रूव कर लेंगे, अगर आपको लगी है हल्की है तो। आपको ठीक लगी? गुड टू गो है मार्केट में, सॉलिड है भाई। और आप जो बोल रहे हो कुछ बीच बीच में, मतलब मुंह हिला रहे हो, कुछ तंबाकू कुछ खा रहे हो? थोड़ा पानी पीना। पानी पीना? पानी पी लीजिए आप। और आपका मिजाज भी कुछ अलग है, मतलब यहाँ टैटू पैटू क्या बात है? स्टाइल है भाई। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, तो एज अ प्रिंसिपल मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर इनका कंपटीशन है ही नहीं ना? मैंने हैमर में किया था ना, ये मेकअप लाइन किसी भी मेकअप लाइन में मैं करूंगी।
So for that reason, I'm out. Thank you. No problem. भाई मैं तो करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं भी करूंगा। तो आपकी सेल कितनी है अभी? लास्ट ईयर हमने क्रोज किया 1500 पे और इस साल अभी हम 1150 कर चुके हैं। वो तो पता ही है। मैं इसलिए पूछा था, आप सबकी बोलती बंद कर दें पहले। हमारे इंस्टाग्राम पे 236,000 फॉलोअर हैं। कितने? 236,000। आपके कितने हैं? 23 लाख। ओह माय गॉड। अब बोलो। फिर भी यार मतलब हाँ इम्प्रेसिव। Thank you.